पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि ओला कैब को कैसे बुक करें। तो चलिए सीख लेते हैं कि ओला कैब को कैसे बुकिंग की जाती है। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाइए और वहां पर ओला कैब का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए। और उस ऐप को ओपन करते ही कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी हमें यहाँ पर एक OTP आएगा जो इस ऐप्स के ज़रिए ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर कोई नंबर डालने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट हो गया है। और मुझे एक मैसेज भी आ चुका है OTP का, लेकिन ये ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट हो गया है तो हमें कोई भी नंबर डालने की इसमें ज़रूरत नहीं। इसके बाद हमें लोकेशन को ऑन करना होगा, तो इसे ओके पर क्लिक कर लीजिए। तो आपका जो GPS लोकेशन है वो ऑटोमेटिक इस ऐप्स के ज़रिए चालू हो जाएगा। तो ये मेरा ऐप शुरू हो चुका है। और यहाँ पर ये जो ब्लू सर्कल दिख रहा है उससे आपको एक दो बार क्लिक करना होगा ताकि इस ऐप्स को आपकी सही लोकेशन पता चल जाए। तो चलिए मैं इसे एक दो बार दबा देता हूँ। तो इस बटन को दबाते ही यहाँ पर हमें अपना एरिया का नाम सामने आ जाता है। तो अभी हमें जहाँ पर जाना है वहाँ पर उसका नाम लिख देना है। तो चलिए मैं जोगेश्वरी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप कुछ वर्ड लिखेंगे तो आपको खुद ही उसका सजेशन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर जोगेश्वरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर अभी हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक राइड नाउ और राइड लेटर। तो मैं राइड लेटर पर भी सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि आप अगर सपोज कल ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो डेट भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं और टाइम सेट कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर से कोई भी डेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और टाइम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो वही टाइम पर हमारे लिए ओला गाड़ी आ जाएगी। और अगर आपको इमीडिएटली अभी चाहिए तो राइट नाउ पर क्लिक करना होगा जिससे आपकी बुकिंग हो जाएगी। तो देखिए नीचे बुकिंग का ऑप्शन आ रहा है, कंफर्म बुकिंग। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये बुक हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और IXG Tech को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।